नमस्कार, मैं सोनालिका आजाद जुबली पोस्ट के खास शो बिग फाइव लेकर फिर से हाजिर हूँ। इसमें हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई शर्मनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दरअसल अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को हुए विवाद में 3 साल की बच्ची की हत्या कर उसके शव को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, जिसे कुत्तों ने पूरी तरीके से नोच दिया। इस घटना में 2 आरोपियों को पकड़ा गया है, साथ ही SSP ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। अलीगढ़ में हुई इस घटना के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है, साथ ही पीड़ित परिवार के परिजनों के लिए सहानुभूति जताई है। इसके अलावा बॉलीवुड के कई कलाकारों ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस पर अपनी गुस्सा दिखाया है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार शाम आए आंधी तूफान में 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों को उनके क्षेत्र का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के लासीपोरा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 SPO सहित 4 आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के पास गोले बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। वर्ल्ड कप में इंडिया टीम के खिलाड़ी MS धोनी के ग्लव्स पर बने बलिदान बैच को पहनकर खेलने का विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। ICCI की दखलअंदाजी के बाद अब BCCI भी माही के पक्ष में खड़ा हो गया है। BCCI CEO ने कहा है कि उनके दस्ताने पर बने निशान ना ही किसी धर्म का प्रतीक है और ना ही कमर्शियल है।